नमस्कार मित्रों, जीवन दर्पण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं दिवाकर वशिष्ठ। दोस्तों, ये हमारी पहली ज्योतिषी वीडियो है। इसके माध्यम से हम आपको ज्योतिष से जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो मैं अपने सभी मित्रों से ये कहना चाहूंगा कि जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो भी मित्र ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, मैं ज्योतिष की शुरुआत की बातें यहां पर नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी ज्योतिष में आए हुए दोस्त हैं वह शुरुआत की बातें बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं यहां पर उन बातों को करूंगा जिससे आप आसानी से अपनी जन्म पत्री को देख सकें और बैठे हुए ग्रह के अनुसार उनका फलादेश पढ़ सकें, और दूसरे लोगों की कुंडली को देखकर आप उनका भी ठीक ठीक फलादेश कर सकें। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं ज्योतिष का फलादेश। और सबसे पहले हम सूर्य का फलादेश करेंगे। सूर्य जो कि सौर मंडल का प्रधान ग्रह कहा जाता है, ये कुंडली के अलग अलग भावों में बैठ करके अलग अलग फल देता है। सबसे पहला भाव है लग्न भाव। लग्न में बैठा हुआ सूर्य अगर ये अपने स्वयं की राशि में यानी कि सिंह राशि में या अपने उच्च की राशि मेष राशि में है, तो ऐसा सूर्य उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली में वह लग्न स्थान में मौजूद है, ऐसे व्यक्ति को समाज में अच्छी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ऐसा व्यक्ति उच्च व्यापारी, अच्छे कारखाने का मालिक और किसी सरकारी संस्था में उच्च पद पर आरूढ़ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा सरकारी खजाने से धन प्राप्त करता है, उसे मान सम्मान शोहरत हमेशा प्राप्त होती रहती है। यदि इस स्थान पर सूर्य अपनी शत्रु राशि निर्बल होकर के तुला राशि में यानी कि नीच का होकर बैठता है, तो यहां से वह कुछ दुष्परिणाम भी देता है। जैसे कि ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का, नेत्र रोगी, लाल और गुलाबी नेत्रों वाला, मानसिक रोगी, अकड़ू किस्म का होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा झगड़े करता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी सुखमय नहीं रहता और उसको पेट से संबंधी और दिमाग से संबंधी कुछ ना कुछ परेशानियां हमेशा लगी रहती हैं। मित्रों, यदि सूर्य जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में जिसको हम धन भाव कहते हैं यहां पर विराजमान है और वह स्वराशि और उच्च राशि में स्थित है, तो यहां से वह व्यक्ति को जिसकी कुंडली में वह इस स्थान में मौजूद है उसको सरकारी नौकरी, सरकार से धन प्राप्त इत्यादि भौतिक सुखों को प्रदान करता है। यदि यहां पर बैठा हुआ सूर्य निर्बल और नीच है और शत्रु राशि का है, तो ऐसा सूर्य जातक को हमेशा मान सम्मान में कमी, उसका वैवाहिक जीवन दुखमय, संतान प्राप्ति में बाधाएं प्राप्त होती हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी कठोर होती है और वो सदैव अपने कुटुंबियों से, अपने पारिवारिक जनों से हमेशा कलेश करता है। यहां से हम तीसरे भाव की बात करेंगे कि यदि तीसरे भाव में सूर्य बैठा हो तो उसका क्या फलादेश है। बैठा हुआ सूर्य यदि अपनी स्वराशि, उच्च की राशि या अपनी मित्र राशि में स्थित होता है, तो ऐसा व्यक्ति धन, पुत्र, वैभव और संतान से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी, धनवान होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठावान व्यक्ति के रूप में इस समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र व्यापार करते हुए नजर आते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा उद्योग भी हो सकता है और राज्य से उन्हें धन की प्राप्ति होती है। यदि इस स्थान पर बैठा हुआ सूर्य निर्बल व नीच है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने भाई बंधुओं से रहित होते हैं या उनका उनसे झगड़ा हमेशा बना रहता है। यह भी बताया गया है कि अगर इस स्थान पर सूर्य नीच का होकर के बैठा हो या निर्बल बैठा हो, तो किसी भाई या बहन की मृत्यु भी हो सकती है। इसी प्रकार हम कुंडली के और भावों में सूर्य की चर्चा करेंगे। यहां से हम देखेंगे अब चतुर्थ भाव में विराजमान सूर्य का फल। चतुर्थ स्थान में विराजमान सूर्य यदि अपनी स्वयं की राशि, मित्र राशि
या उच्च राशि में होता है, तो ऐसे व्यक्ति को मकान का, वाहन का, नौकर चाकर का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। यदि यहां पर विराजमान सूर्य नीच का हो जाता है अथवा निर्मल हो जाता है या फिर अपनी शत्रु राशि में होता है, तो ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। वह अपने पिता के सुख से वंचित हो जाता है, अपनी पैतृक संपत्ति से भी वह हाथ धो बैठता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा शत्रुओं से पीड़ित रहता है, उसका जगह जगह अपमान होता है और उसके किए गए कार्यों पर उंगली उठाई जाती है। मित्रों, इसी प्रकार हम सूर्य के आगे के घरों की बात करेंगे। यदि कुंडली में सूर्य पंचम भाव में बैठा हो तो उसका क्या फल है? पंचम स्थान में सूर्य अपनी राशि यानी कि सिंह राशि में, उच्च की राशि में या मित्र राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानी, मंत्र शास्त्र का ज्ञाता एवं चतुर होता है। इस स्थान पर सूर्य विराजमान होने से जातक के पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। एक ही पुत्र होता है और उस पुत्र से वह जातक दुखी रहता है। अगर यहां पर सूर्य किसी स्थिर राशि में विराजमान है तो जातक के एक ही संतान पुत्र रूप में जन्म लेगी और बाकी की सारी संतानें कन्या होंगी। अगर चर राशि में होता है तो ऐसे जातक के अनंत पुत्रों की प्राप्ति होती है। यहां पर बैठा हुआ सूर्य यदि निर्बल और नीच राशि का है तो संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं और ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है और अपने ही मित्रों से शत्रुता करता है। इसी प्रकार हम आगे जन्म कुंडली के अलग अलग भावों में विराजमान सूर्य की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि यदि सूर्य छठे भाव में बैठा हो तो उसका क्या फल होता है? छठे भाव में विराजमान सूर्य अपनी उच्च राशि में विराजमान हो या स्वराशि में विराजमान हो, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति चिकित्सा क्षेत्र में अपना अच्छा स्थान बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों पर अधिक खर्च करने वाला होता है। इसके अलावा वह मातृ पक्ष से धन प्राप्त करता है। यदि यह विराजमान सूर्य निर्बल, नीच एवं शत्रु राशि का हो तो ऐसा व्यक्ति रोगी और अल्पायु कहा जाता है। सप्तम स्थान में अब हम बात करेंगे कि सातवें स्थान में अगर सूर्य हो तो उसका क्या फलापेक्ष है? सप्तम भाव में यदि अपनी उच्च राशि यानी कि मेष राशि में या अपनी स्वराशि सिंह राशि में सूर्य विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनंत प्रकार की समस्याएं जन्म लेती हैं, जैसे कि पत्नी से विषाद हो जाना। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे अच्छी बात यह है कि यहां एक ही पत्नी ऐसे जातक को प्राप्त होती है, यानी कि दो शादियों का योग ऐसे कुंडली ऐसे जातक की कुंडली में नहीं होता। शादी एक ही होती है लेकिन कुछ तनाव के साथ वो वैवाहिक जीवन चलता है। कुछ समय के लिए पति पत्नी को अलग भी रहना पड़ता है। ऐसा सिर्फ तब कहा गया है जब सूर्य उच्च राशि का या स्वराशि का हो। यदि यहां पर सूर्य नीच राशि का हुआ एवं चतुर राशि का हुआ तो ऐसे जातक का विवाह लंबे समय तक नहीं चल पाता और दो विवाह के योग बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति मानसिक चिंताओं से युक्त होता है, शारीरिक कष्ट से युक्त होता है, दुर्बल शरीर रहता है उसका और सदैव परेशानियों में घिरा रहता है। ऐसा व्यक्ति साझेदारी के साथ अपने जीवन का निर्वाह करता है और किसी साझेदार के साथ व्यापार करके वह धन कमाता है। सप्तम स्थान में सूर्य का एक फलाधिक और भी बताया जाता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय परदेश में जाने की बात होता है। मित्रों, अब अष्टम भाव में विराजमान सूर्य की बात करें। यदि सूर्य आठवें भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति कामातुर होता है पर स्त्री गामी होता है और यहां से सूर्य ऐसे व्यक्ति का भाग्य निर्बल होता है और वह कभी भी कोई अच्छा कार्य इस संसार में रहकर नहीं कर पाता। उसका मनोबल भी गिरा हुआ रहता है और वह हमेशा परेशानियों में और तकलीफों में डूबा हुआ ही रहता है। मित्रों, नवम स्थान में सूर्य के विराजमान रहने से ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, दीर्घायु रहता है, उसका भाग्य सदैव उसका साथ देता है। ऐसा जातक धर्म कर्म में बढ़ चढ़ के रुचि लेता है। ऐसा जातक राजनेता, साहसी, पराक्रमी, धनवान, ऐश्वर्यवान कहा जाता है।
और ऐसे जातक को जीवन में समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं निरंतर प्राप्त होती ही रहती है। मित्रों, यहां से सूर्य यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दशम भाव में विराजमान हो तो यह देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत ही प्रतिष्ठावान, पिता का सुख पाने वाला और राजकर्म में निपुण होता है। ऐसा व्यक्ति राजनेता भी हो सकता है, भूमि भवन मकान वाहन का स्वामी होता है, भवन निर्माण का कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सदैव उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सम्मान का पात्र होता है, उसे राजघराने से हमेशा धन प्राप्त होता रहता है। किंतु अगर यहां पर सूर्य नीच राशि का एवं अपने शत्रु की राशि का हो तो ऐसे जातक को अपने कार्य से हाथ धोना पड़ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर यहां पर सूर्य अष्टमी होकर के दशम भाव में विराजमान हो एवं वे भाव का होकर के दशम स्थान पर विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगते हैं और उसको अपने पद से हाथ धोना पड़ता है। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि सूर्य 11वें भवन में हो तो उसका क्या फल है, यह हम आपको बताते हैं। 11वें स्थान में यदि सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति सदैव लाभ प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी सुलक्षणा सौभाग्यवती होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अच्छा धन प्राप्त करता है। उसे समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और वह सदैव यशस्वी और सम्मानित व्यक्ति के रूप में समाज में प्रतिष्ठित रहता है। अब बात करते हैं 12वें भाव में विराजमान सूर्य की। यदि यहां सूर्य विराजमान हो तो ऐसा जातक दुष्ट प्रगति का होता है। परस्त्रीगामी, धन का नाश करने वाला, झगड़ालू, सदैव वाद विवाद में पड़ा रहने वाला, नेत्र रोगी, उदर रोगी, ऐसा व्यक्ति हमेशा नाना प्रकार के संकटों में ही पड़ा रहता है। उसे कारावास का योग लगता है। ऐसा व्यक्ति सदैव नीच कर्म में रत रहता है। इस प्रकार से हमने 12 भाव में विराजमान सूर्य के फलादेशों के बारे में आपको बताया। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले कहा था, यह हमारा जीवन दर्पण ज्योतिष केंद्र की ओर से पहला वीडियो है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमसे कोई भी सवाल करना हो तो आप अपने कमेंट्स में उस सवाल को लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्दी आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।